प्रीवियस वीडियो में हमने अरहीनियस एसिड बेस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, बट उसकी क्या थी, कुछ ना कुछ सर्टेन लिमिटेशन थी। तो उस लिमिटेशंस को कंप्लीट करने के लिए एक और थ्योरी आई, दैट इज ब्रॉन्स्टेड-लोवरी थ्योरी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड-लोवरी थ्योरी की। इन्होंने क्या किया था, एसिड बेस के रिगार्डिंग अलग अलग डेफिनेशन थी। तो जो भी कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग एसिड्स एंड बेस, चाहे वो अरहीनियस थ्योरी हो, चाहे वो ब्रॉन्स्टेड-लोवरी थ्योरी हो, और उसके बाद एक और आता है दैट इज लेविस एसिड बेस थ्योरी। तो इन थ्योरी से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, और पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लोवरी थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लोवरी थ्योरी को और हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोन थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। इसका जो दूसरा नाम है दैट इज द प्रोटोन थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेस। सो दो साइंटिस्ट थे, एक थे डेनिस केमिस्ट जिनका नाम था जोन्स निकोलस ब्रॉन्स्टेड, और एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस मार्टिन लोवरी। कौन कौन से थे, एक थे डेनिस केमिस्ट जिनका नाम था जोन्स निकोलस ब्रॉन्स्टेड, एक थे ब्रिटिश साइंटिस्ट थॉमस मार्टिन लोवरी। अब इन्होंने एसिड बेस को लेकर अलग अलग डेफिनेशन दी। अब वो डेफिनेशन किसके ऊपर बेस थी, तो वो कंपाउंड की एबिलिटीज के ऊपर बेस थी कि या तो वो डोनेट करेगा प्रोटोन को या वो एक्सेप्ट करेगा। सो दिस थ्योरी इज नोन एज, इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड-लोवरी थ्योरी, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोन थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेस। ये जो थ्योरी थी ये इन्होंने बहुत यूजफुल डेफिनेशन दी रिगार्डिंग एसिड्स और बेस, और जो केमिकल रिएक्शंस में एक वाइड रेंज पर अप्लाई भी करी गई। तो इस थ्योरी ने क्या दी थी, एक यूजफुल डेफिनेशन दी थी रिगार्डिंग एसिड्स एंड बेस। अब वो डेफिनेशन क्या थी, सबसे पहले बात करेंगे एसिड की। सो इन दिस थ्योरी एसिड को हमने क्या कंसीडर किया, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्स्टेड-लोवरी एसिड, कि इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये क्या करता है, प्रोटोन को डोनेट करता है। बेस को क्या कंसीडर किया गया, दैट इज नोन एज ब्रॉन्स्टेड-लोवरी बेस, और ये क्या करेगा, प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा। सो इन दिस थ्योरी हाइड्रोजन को कंसीडर किया गया एज अ प्रोटोन, हाइड्रोजन को क्या कंसीडर करा गया एज अ प्रोटोन। तब हम हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो ये क्या फॉर्म करता है, पॉजिटिव आयन, क्या फॉर्म करता है, पॉजिटिव आयन, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच पॉजिटिव आयन से। तो ये जो थ्योरी थी इसमें क्या था कि इन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी रिगार्डिंग एसिड्स और बेस, जो किसके ऊपर बेस थी, जो कंपाउंड की एबिलिटीज के ऊपर बेस थी, या तो वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा या फिर वो एक्सेप्ट करेगा। तो जो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं, और बेस क्या है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इस थ्योरी में हाइड्रोजन को क्या कंसीडर किया गया था, एज अ प्रोटॉन, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच पॉजिटिव। After that, according to Bronsted-Lowry concept, an acid is considered to be a Bronsted-Lowry acid, which is capable to donate a proton to someone else. ये अभी हम example से समझेंगे। Base क्या है? Base is considered to be a Bronsted-Lowry base, जो अभी हमने discuss भी किया था, which is capable to accept a proton from someone else. Simple terms में बात करें तो acid जो proton को donate कर रहा है और base जो proton को एक्सेप्ट कर रहा है। सो फ्रॉम हेयर इट कैन बी नोटेड दैट कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में प्रोटॉन ट्रांसफर होते हैं एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में। सो ब्रॉन्स्टेड-लोवरी एसिड दैट इज अ हाइड्रोजन आयन डोनर, क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्रोटोन को डोनेट कर रहा है। ब्रॉन्स्टेड-लोवरी बेस दैट इज अ हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर, यानी कि वो प्रोटोन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ब्रॉन्स्टेड-लोवरी ने एसिड और बेस के रिगार्डिंग क्या क्या डेफिनेशंस दी थी। उसके बाद कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, हमने ये तो देख लिया कि एसिड्स क्या है, बेस क्या है, एसिड जो डोनेट कर रहे हैं प्रोटोन को, बेस जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे कॉन्जुगेट
एसिड्स की, कॉन्जुगेट एसिड्स का फॉर्म होते हैं। तो जब वो बेस से प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं, जब वो बेस से प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं तो तब क्या फॉर्म होते हैं, तब होते हैं कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एसिड। अब कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं कि जब वो एसिड, व्हेन एन एसिड डोनेट प्रोटोन, जब एसिड क्या करे प्रोटोन को डोनेट कर दे तब क्या फॉर्मेशन होगा, कॉन्जुगेट बेस। सो इफ एन एसिड इज स्ट्रॉन्ग, अगर एसिड क्या है स्ट्रॉन्ग है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस विल बी वीकर। तो जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कैसा होगा, वीकर होगा। इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग, अगर बेस क्या है स्ट्रॉन्ग है, उस केस में भी कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक होगा। सो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, HCl plus NH3. In this case, क्या होगा, HCl क्या है एक एसिड। अब एसिड के केस में क्या था, ये एसिड क्या करते हैं प्रोटोन को डोनेट करते हैं, तो HCl से हाइड्रोजन किसे डोनेट कर देगा, NH3 को। जब ये से डोनेट करेगा प्रोटोन तो इट विल फॉर्म NH4 पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव। तो HCl किसकी तरह काम करेगा, दैट इज HCl एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड, क्योंकि इसने क्या करा प्रोटोन को डोनेट कर दिया। आफ्टर दैट NH3, इसने क्या करा प्रोटोन को एक्सेप्ट करा, इसने क्या किया प्रोटोन को एक्सेप्ट किया। और जब वो कौन सा होता है जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज बेस। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बेस को हम क्या कंसीडर करते हैं, ब्रोंस्टेड ब्रोंस्टेड लोवरी बेस। अब क्या है इस इक्वेशन में, हमें ये एरो दिख रहे हैं। अब ये हमने केमिकल रिएक्शंस में एक्सप्लेन भी किया था कि इनका इंडिकेशन क्या होता है, तो ये जो रिएक्शन है ये कैसे हो रही है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, मींस कि जब NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, NH3 प्लस HCl। लेट सी, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इट विल फॉर्म NH3 प्लस HCl। तो इस केस में क्या होगा, जो NH4 पॉजिटिव है, NH4 पॉजिटिव ने क्या करा प्रोटोन को डोनेट कर दिया, क्या करा इसने प्रोटोन को डोनेट कर दिया। जब इसने प्रोटोन को डोनेट करा तो ये क्या हुआ, दैट इज कॉन्जुगेट एसिड, दैट इज कॉन्जुगेट एसिड। अब Cl नेगेटिव ने क्या किया, Cl नेगेटिव ने इससे प्रोटोन को एक्सेप्ट किया, क्या किया प्रोटोन को एक्सेप्ट किया। और जब इसने प्रोटोन को एक्सेप्ट किया तो क्या फॉर्म किया, दैट इज HCl। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, दैट इज कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इस रिएक्शंस के थ्रू कि इसने क्या किया प्रोटोन को डोनेट किया, तो ये क्या है एसिड। और इस थ्योरी में हम एसिड को क्या कंसिडर करते हैं, ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड, क्योंकि ये क्या करता है प्रोटोन को डोनेट करता है। अब NH4 पॉजिटिव, NH3 ने प्रोटोन को एक्सेप्ट किया और किसका फॉर्मेशन किया, NH4 पॉजिटिव का। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है बेस, और बेस के इन दिस इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस क्या है, दैट इज ब्रोंस्टेड लोवरी बेस। आफ्टर दैट ये रिएक्शन कैसी थी, रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल के केस में इसने क्या किया प्रोटोन को डोनेट किया, इट विल फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड, और इसने प्रोटोन को एक्सेप्ट किया तो इट विल फॉर्म कॉन्जुगेट बेस। तो यहां से आपको कॉन्जुगेट एसिड्स और बेस भी क्लियर हुए होंगे। लेट सी, ये एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देख लिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट इज H2O प्लस NH3। अब इस केस में क्या होगा, सेम ये इससे यहां से एक प्रोटोन निकल जाएगा, इट विल फॉर्म, ये एक्सेप्ट कर लेगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सेम रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इस केस में क्या होगा, ये क्या है वाटर। अब यहां वाटर किसकी तरह काम करा, क्योंकि इसने प्रोटोन को डोनेट कर दिया, क्या करा प्रोटोन को डोनेट किया, तो यहां किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड। आफ्टर दैट NH3 ने प्रोटोन को एक्सेप्ट किया,
प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो दैट इज ब्रॉन्स्टेड लोबी बेस. और क्या फॉर्म किया, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव. तो इस केस में जो NH4 पॉजिटिव है तो इट विल फॉर्म, ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुकेट एसिड, कॉन्जुकेट एसिड. और OH नेगेटिव क्या हो जाएगा, कॉन्जुकेट बेस, कॉन्जुकेट बेस. तो अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाए, आपको बताना होगा कौन सा कॉन्जुकेट एसिड है, कौन सा बेस्ड है, तो आई होप आप इजीली बता पाओगे. तो दैट इज ये हो जाएगा OH नेगेटिव क्या है, कॉन्जुकेट बेस, और NH4 पॉजिटिव क्या है, कॉन्जुकेट एसिड. रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है. ये क्या है, H2O. अब H2O ने क्या करा, प्रोटोन डोनेट किया, तो इसे क्या कंसिडर कर लिया, एसिड. और NH3 ने एक्सेप्ट किया, तो इट विल बी अ बेस. कुछ एग्जाम्पल कॉन्जुकेट एसिड्स और बेस के. आफ्टर दैट अब यहां से क्या हुआ, देयर आर टू कॉन्जुकेट पेयर्स, कॉन्जुकेट पेयर वन एंड कॉन्जुकेट पेयर्स टू. तो पेयर वन में कौन कौन से थे, वो थे हमारा HCl और Cl नेगेटिव, और कॉन्जुकेट पेयर में क्या थे, NH3 और NH4 पॉजिटिव. सो फ्रॉम दैट इक्वेशन द अमोनियम आयन दैट इज NH4 पॉजिटिव, ये क्या है, कॉन्जुकेट एसिड्स ऑफ बेस अमोनिया. अमोनियम आयन क्या था, कॉन्जुकेट एसिड था, लेकिन किससे, ऑफ बेस अमोनिया. क्लोराइड आयन क्या था, दैट इज अ Cl नेगेटिव, और ये क्या है, कॉन्जुकेट बेस ऑफ एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड. तो आई होप आपको कॉन्जुकेट एसिड्स और बेस क्लियर हुए होंगे. आफ्टर दैट एक और एग्जाम्पल है, अ रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड क्या होता है, दैट इज CH3COOH एंड वाटर H2O. एंड एसिटिक एसिड्स डोनेट अ प्रोटोन एंड एक्ट लाइक एसिड. इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, इट विल फॉर्म CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव. तो इस केस में जो एसिटिक एसिड है, दैट इज अ एसिटिक एसिड, ये क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, किसे करेगा, वाटर को. तो इट विल फॉर्म CH3COO नेगेटिव. जब ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह. किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह. बट जो H2O है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या है, दैट इज अ बेस. ये हो गया बेस. और ये भी कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है. तो जो CH3COO नेगेटिव है, दैट इज अ कॉन्जुकेट बेस, और जो दैट इज अ H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, ये है कॉन्जुकेट एसिड और ये है कॉन्जुकेट बेस. सो एग्जांपल ऑफ ब्रॉन्स्टेड लोबरी एसिड्स एंड बेस, तो हम एग्जांपल ही देख रहे थे. तो इस एग्जांपल में देखते हैं जो फर्स्ट वाला है, दैट इज HNO3 प्लस H2O and it will form H3O positive plus NO3 negative. तो इस केस में क्या होगा, ये HNO3 प्रोटोन को डोनेट करेगा, किसे, वाटर को. जब ये प्रोटोन को डोनेट कर रहा है तो ये किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह. ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह. तो ये होगा एसिड और ये होगा बेस. अब आपको बताना है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा कॉन्जुकेट एसिड और कौन सा कॉन्जुकेट बेस है. और सेकंड जो एग्जांपल है, ये भी आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना है और इसमें बताना है कि कौन सा कॉन्जुकेट एसिड है और कौन सा कॉन्जुकेट बेस है. आफ्टर दैट सो जो स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड लोबरी एसिड्स हैं वो होते हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है प्रोटोन को देने की, मतलब डोनेट करने की. एंड दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुकेट बेसिस वीक. और जो उनका वो होता है कॉन्जुकेट बेस होता है वो कैसा होता है, वीक होता है. अब वीक ब्रॉन्स्टेड लोबरी एसिड, ये किसकी बात की थी, स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड लोबरी एसिड की. इस केस में क्या है, वीक ब्रॉन्स्टेड लोबरी एसिड तो विल हैव अ लिटिल टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटोन. इनके पास बहुत कम टेंडेंसी होती है प्रोटोन को डोनेट करने की, और उनका जो कोरिस्पॉन्डिंग कॉन्जुकेट बेस होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. सो आफ्टर दैट एक बार समराइज कर लेते हैं. ब्रॉन्स्टेड लोबरी एसिड जो प्रोटोन को डोनेट करते हैं या फिर एच पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं किसी दूसरे कंपाउंड को, उन्हें हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड लोबरी एसिड. और ब्रॉन्स्टेड लोबरी एसिड्स जो हैं, जो इसमें क्या आता है, एसिड प्रोटोन प्लस कॉन्जुकेट बेस, यानी कि प्रोटोन प्लस कॉन्जुकेट बेस दैट इज एसिड. और जब प्रोटोन प्लस कॉन्जुकेट एसिड होगा उस केस में क्या होगा, दैट इज बेस. ठीक है, कॉन्जुकेट बेस क्या करता है, प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है, वो हम ऑलरेडी एग्जाम्पल से समझ चुके थे. आफ्टर दैट ब्रॉन्स्टेड लोबरी बेस, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज नोन एज ब्रॉन्स्टेड लोबरी बेस. और ये भी देख लिया था कि बेस प्लस प्रोटोन इट विल फॉर्म
कॉन्जुगेट एसिड्स, और एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं. तो ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी ऑफ एन एसिड बेस रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स, इन्वॉल्व द ट्रांसफर्स ऑफ प्रोटोन ऑफ एच पॉजिटिव आयन बिटवीन द एसिड्स एंड बेस, यानी कि इनके अंदर प्रोटोन का ट्रांसफर होता है एक केमिकल स्पीसीज से दूसरी केमिकल स्पीसीज में, तो जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी. आफ्टर दैट कुछ एडवांटेज हैं ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी के, और एडवांटेज हैं तो आफ्टर दैट उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होगी, क्योंकि लिमिटेशंस हैं तभी तो नेक्स्ट थ्योरी आई थी दैट इज लेविस एसिड बेस थ्योरी. तो पहले इसके एडवांटेज देखते हैं. दिस थ्योरी इज एबल टू एक्सप्लेन द एसिड बेस बिहेवियर इन एक्वस एंड नॉन एक्वस मीडियम. इस थ्योरी ने एसिड बेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर दिया था एक्वस और नॉन एक्वस मीडियम में. सेकेंड इज इट एक्सप्लेन द बेसिक करेक्टर ऑफ अ सब्सटेंस लाइक NH3CaO एंड Na2CO3 दैट इज विच डू नॉट कंटेन OH ग्रुप. इन्होंने सब्सटेंस के बेसिक करेक्टर को तो एक्सप्लेन कर दिया जैसे NH3CaO Na2CO3, बट वो OH ग्रुप कंटेन नहीं करते. बट अकॉर्डिंग टू अरहीनियस थ्योरी दे आर नॉट कंसिडर एज बेस, हम इन्हें एज अ बेस कंसिडर नहीं करते, क्योंकि बेस किसे कंसिडर करते हैं जो अकॉर्डिंग टू अरहीनियस थ्योरी अगर बात करें जो हमें क्या कंटेन करते हैं OH नेगेटिव आयन जब वो वाटर के अंदर डिसोशिएट होते हैं. एंड द थर्ड इज इट एक्सप्लेन द एसिडिक करेक्टर ऑफ अ सब्सटेंस. इन्होंने सब्सटेंस के एसिडिक करेक्टर को भी एक्सप्लेन कर दिया था जैसे CO2SO2, बट विच डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन आयन. इस केस में तो कोई हाइड्रोजन आयन है ही नहीं, बट अरहीनियस के अकॉर्डिंग हमने उन्हें क्या कंसिडर किया था कि जो एच पॉजिटिव आयन कंटेन करते हैं कि दे आर कंसिडर एज अ एसिड. तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन द एसिड बेस बिहेवियर ऑफ आयनिक स्पीसीज. तो इस थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया था, उसने एसिड बेस बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था किसके, ऑफ आयनिक स्पीसीज के. सो डिसएडवांटेज ऑफ ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी, यानी कि कह सकते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी. तो क्या था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी की जो सेम कंपाउंड है वो एक रिएक्शन में तो एसिड की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, और वहीं वो दूसरी रिएक्शन में किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, बेस की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि सॉरी बेस की तरह क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं. तो समटाइम्स ये प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट हो रहा था कि जो रिएक्शन के अंदर एग्जैक्ट एसिड और बेस कौन है, कि कहीं ना कहीं एक रिएक्शन में तो वो एसिड की तरह एक्ट कर रहे हैं और वही सेम ही रिएक्शन में दूसरे उसमें वो बेस की तरह एक्ट कर रहे हैं. तो ये प्रेडिक्शन लगाना बहुत मुश्किल हो गया था कि वो एग्जैक्ट एसिड और बेस क्या है रिएक्शन के अंदर. सो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी सेम कंपाउंड इज एक्ट एज अ एसिड इन वन रिएक्शन एंड एक्ट एज अ बेस इन अनदर रिएक्शन. सो समटाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट एसिड और बेस इन अ रिएक्शन. ये हमने एग्जाम्पल्स में भी देखा था. तो दिस थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द एसिडिक बेसिक एज वेल एज एम्फोटेरिक गैशियस मॉलिक्यूल. तो ये थ्योरी एसिड बेसिक और एम्फोटेरिक गैशियस मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. और दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एसिड्स जैसे BF3, AlCl3, BCl3, इनके एसिड बिहेवियर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, विच डू नॉट प्रोटोन टू लोज और डोनेट. इनके पास ना तो डोनेट करने के लिए प्रोटोन है और ना ही एक्सेप्ट करने के लिए. दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन रिएक्शन बिटवीन एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड. और इस थ्योरी ने जो रिएक्शन होती है एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स के बीच में जो सॉल्वेंट के एब्सेंस में होती है उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. तो ये थी कुछ लिमिटेशन ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी की. बट कहीं ना कहीं ये क्या था, कह सकते हैं कि एडवांस थ्योरी थी अरहीनियस की. तो इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज भी होगी, यानी कि कुछ ना कुछ रिलेशन भी होगा. तो एक बार रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन अरहीनियस थ्योरी एंड ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी. तो ये जो दोनों थ्योरी थी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं थी, बट ये जो ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी थी ये अरहीनियस थ्योरी की एडवांस थ्योरी थी. तो अरहीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो जो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एसिड. एंड अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH नेगेटिव आयन इन वाटर, दैट इज अ बेस. बट अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी एसिड क्या है, दैट इज अ प्रोटोन डोनर, और बेस क्या है, प्रोटोन एक्सेप्टर. सो अकॉर्डिंग टू अरहीनियस थ्योरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एसिड जो हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयन इन वाटर. बट अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी HCl क्या है, एसिड है, बिकॉज इट डोनेट अ प्रोटोन टू द वॉटर मॉलिक्यूल्स. तो बाय ऑब्जर्विंग बोथ कॉन्सेप्ट वॉटर इज एक्टिंग एज अ बेस. सो वी कैन सी हेयर बोथ थ्योरीज आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. तो दोनों थ्योरीज क्या है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि उस केस में या एसिड के केस में ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन, और अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी
जो एसिड्स कौन होते हैं जो प्रोटोन को डोनेट कर रहे हैं. सो अरिहेनियस थ्योरी इज लिमिटेड टू द एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि उसने एक्सप्लेन नहीं किया था एसिड बेस बिहेवियर को गैशियस फॉर्म में. तो ये था इन दोनों में रिलेशन. तो ये थी ब्रॉन्स्टेड लोबरी थ्योरी. प्रीवियस वीडियो में हमने अरिहेनियस थ्योरी डिस्कस कर ली थी, उसकी क्या लिमिटेशन है. इस वीडियो में हमने ब्रॉन्स्टेड लोबरी थ्योरी क्या है, उन्होंने एसिड बेस के रिगार्डिंग क्या क्या डेफिनेशन दी, क्या लिमिटेशन थी, क्या एडवांटेज थे, और उन दोनों में अरिहेनियस और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में रिलेशन क्या था. आफ्टर दैट जो नेक्स्ट थ्योरी आती है, दैट इज अ लेविस एसिड बेस थ्योरी, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा. अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट का, आप हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. थैंक यू.